दोस्तों मैं रितेश कुमार उपाध्याय, मेरे YouTube चैनल IOCE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, क्या आप एयरटेल का सिम यूज करते हैं? और यदि आप एयरटेल का सिम यूज करते हैं और आपको कभी समस्या होती है तो क्या आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं? और कॉल करने के दौरान आपका जो दिमाग है वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब इसलिए हो जाता है कि जब आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, एक दबाइए, दो दबाइए, तीन दबाइए, आपको बात अपने कस्टमर केयर से करनी होती है, लेकिन वो इतना एक दो तीन के चक्कर में घुमा कर रखता है कि हमारा दिमाग हो जाता है डिस्टर्ब और लास्ट में हम फोन को कट करके रख देते हैं। यदि ऐसा कुछ है ना, तो यह जो वीडियो है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाली है। हालांकि इसके लिए एक वीडियो मैंने पहले से अपने चैनल पर डाला हुआ था, लेकिन उस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उसके लिए हमको पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती है। यानी आपको अपने मोबाइल को रिचार्ज कराना पड़ेगा, आपके मोबाइल में कुछ ना कुछ बैलेंस होना चाहिए, तभी आप उसमें जो तरीके बताए गए हैं उस तरीके के जरिए आप कस्टमर केयर से बात कर पाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं, इस जानकारी को लेकर अगर आपके मोबाइल में कोई बैलेंस नहीं भी है तो भी आप कस्टमर केयर से आसानी से बात कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को शुरू करूं, एक सजेशन मैं आपको देना चाहता हूं। सजेशन यह है ना कि जब हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, पहले क्या होता था कि जब आप कस्टमर केयर के नंबर पर आप कॉल करते थे और वहां से जो ऑटो रिकॉर्डेड मैसेज हमको सुनाई देते हैं कि आप एक दबाएं, दो दबाएं, तीन दबाएं, अभी वो बोल ही रहा होता है और बीच में अगर हम किसी नंबर पर क्लिक कर देते थे तो वह ऑप्शन चेंज कर देता था। आज की डेट में इन कंपनी वालों को पता नहीं क्या सूझा है कि जब तक वो पूरा नहीं बोलते हैं, बीच में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप क्लिक करते रहिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और मुझे इन कंपनियों का यह जो तरीका है ना, वो काफी मतलब डिस्टर्ब करने वाला समझ में आता है। खैर, अब उसके लिए हम कर भी क्या सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। इस समय आपको हमारे मोबाइल की होम स्क्रीन दिखाई दे रही है। यह जो कॉल का ऑप्शन है, सबसे पहले हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमको 198 डायल करना होगा। 198 डायल करने के बाद आपको अपने एयरटेल के सिम से कॉल करना है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, हमारी मोबाइल में वोडाफोन का भी सिम है और एयरटेल का भी सिम है, तो ऐसा ना हो कि आप एयरटेल से बात करना है और वोडाफोन के नंबर से कॉल कर दिए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, तो वो दिक्कत का विषय है। तो सबसे पहले हमने 198 लिखा और फिर अपने एयरटेल के नंबर से डायल कर दिया। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है उसको मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और वह रिकॉर्डिंग मैं आपके सामने रखता हूं। और आप कागज पेन लेकर बैठ जाएं और जो जो नंबर मैं डायल करते जा रहा हूं आप उसको नोट कर लें। एयरटेल में आपका स्वागत है। हम आपके सवालों को सुनने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप अपने सवाल एयरटेल थैंक्स ऐप पर हमसे शेयर कर सकते हैं। प्रीपेड सेवाओं के लिए एक दबाएं, पोस्टपेड सेवाओं के लिए दो दबाएं, एक्सट्रीम फाइबर ऑप्टिक्स लाइन के लिए तीन दबाएं, एयरटेल डिजिटल टीवी सेवाओं के लिए चार दबाएं। नमस्ते, हमें आपकी सुरक्षा की परवाह है। अब आप एयरटेल थैंक्स ऐप के साथ अपने घर से हमारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रह सकते हैं। आज ही डाउनलोड करें। आपका कुल डेटा डीए बैलेंस है 1.0 MB। कुल SMS डीए बैलेंस है 900। एक रिचार्ज में आपको मिला टॉक टाइम समाप्त हो गया है। कॉल करने के लिए कृपया अपना नंबर रिचार्ज करें। इंटरनेट काम नहीं कर रहा, सिम खो गया है, कॉल नहीं कर पा रहे हैं, जैसी समस्याओं के लिए एक दबाएं। अपना अकाउंट बैलेंस, वैधता, डेटा बैलेंस, आखिरी कटौती, PUK और अपना मोबाइल नंबर जानने के लिए दो दबाएं। हेलो ट्यून डू नॉट डिस्टर्ब सेवाओं और रिचार्ज ऑफर जैसे अनलिमिटेड पैक, स्मार्ट पैक और डेटा पैक के लिए तीन दबाएं। अपनी आईडिया भाषा को बदलने के लिए या अपील दर्ज करने के लिए चार दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। इस कॉल के दौरान अपने फीडबैक देने के लिए स्टार दबाएं। हेलो ट्यून शुरू या बंद करने और अन्य वैल्यू एडेड सेवाओं के लिए 1 दबाएं। अनलिमिटेड पैक्स और स्मार्ट पैक्स के लिए 2 दबाएं। डेटा पैक के लिए 3 दबाएं। डू नॉट डिस्टर्ब सेवा के लिए 4 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं।
पिछली सूची के लिए 7 दबाएं, मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं, हमारे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। कृपया लाइन पर बने रहें, आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। आपका तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो छोटी सी जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल IOCE को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है ना, तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप अपने प्रश्न हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। मेरा भी प्रयास कि मैं आपके प्रश्नों का शीघ्र अतिशीघ्र उत्तर दे सकूं। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका हमेशा दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।